तो टीम आरके ब्रो और रूसोस की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि WWE ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रॉ के टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जा रहे हैं रूसोस से फेस ऑफ करने के लिए। और WWE ने अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के लिए भी एक मैच अनाउंस कर दिया है, और आज के रॉ में क्या क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज के मंडे नाइट रॉ में आरके ब्रो ने बोल दिया है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाएंगे और ब्लड लाइन से टैग टीम यूनिफिकेशन मैच में फाइट करने के लिए डिमांड करेंगे। और उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट ने आकर चैलेंज कर दिया आरके ब्रो को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए, और रिडल और रैंडी ऑर्टन ने स्ट्रीट प्रॉफिट का ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया, और फिर इन चारों का मैच फैंस को देखने मिला। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में मॉन्टेस फोर्ड को कैचिंग आरकेओ देकर रिडल ने न सिर्फ ऑर्टन को सरप्राइज किया बल्कि उन्होंने उनकी टीम को ये मैच जितवा भी दिया। और अब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आरके ब्रो चैलेंज करेंगे उसोस को डबल टैग टीम टाइटल मैच के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसोस आरके ब्रो का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो रेटेड आर सुपरस्टार एज की टीम द जजमेंट डे को रिया रिपली ने भी ज्वाइन कर लिया है, और एज ने फिर ये रिवील किया कि उन्होंने रिया रिपली को बोला था कि लिव मॉर्गन के साथ टैग टीम में रहकर वो अपना टैलेंट बर्बाद कर रही हैं। और इसके बाद लिव मॉर्गन और रिया रिपली का मैच फैंस को देखने मिला, और इस मैच में रिया रिपली ने टैप आउट करवा दिया लिव मॉर्गन को। तो इसके बाद फिन बैलर का मैच डेमियन प्रीस्ट के साथ हुआ, और इस मैच के आखिर में पहले रिया रिपली ने डिस्ट्रैक्ट किया फिन बैलर को, उसके बाद एज ने स्पीयर देकर इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा दिया। और फिर जब एजे स्टाइल्स ने डेमियन प्रीस्ट और एज पे अटैक करने की कोशिश की तो एक बार फिर से रिया रिपली ने एजे स्टाइल्स को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर जजमेंट डे ने अटैक कर दिया एजे स्टाइल्स पर। और फिर MVP और उमास सेलिब्रेट कर रहे थे VIP लॉन्च में, और तब सेड्रिक अलेक्जेंडर ने भी MVP और उमास की टीम को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर बॉबी लैशी ने आकर उमास सेड्रिक अलेक्जेंडर और MVP पे अटैक कर दिया। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में उमास वर्सेस बॉबी लैशी होगा, लेकिन इस बार स्टील केज के अंदर। तो आज मंडे नाइट रॉ में एडम पियर्स ने सोनिया डेविल को बताया कि WWE मैनेजमेंट ने ये देख लिया है कि सोनिया डेविल ने बहुत बार उनकी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए एज अ WWE ऑफिशियल सोनिया डेविल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है WWE मैनेजमेंट ने। लेकिन सोनिया अभी भी WWE की सुपरस्टार हैं, और उनका मैच आज हुआ एलेक्सा ब्लिस के साथ, जिन्होंने रिटर्न आने के बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर सोनिया डेविल को सिंगल्स मैच में हरा भी दिया है। और केविन ओवेंस ये साबित करना चाहते थे कि इज़ीकियल और कोई नहीं बल्कि इलायस ही है, इसलिए वो खुद के बड़े भाई केन ओवेंस बनकर आए। और जब फिर से इज़ीकियल ने बोला कि वो इलायस नहीं है तो केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया इज़ीकियल पे, और फिर अल्फा अकेडमी के ओटिस और चैट गेबल भी आ गए और इन तीनों ने मिलकर अटैक किया इज़ीकियल पर। और वीर महान ने आज फिर से सिंगल्स मैच में फ्रैंक नाम के सुपरस्टार को डोमिनेट करके हरा दिया। और कॉडी रोड्स का आज मैच हुआ था ऑस्टिन थ्योरी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच में कॉडी जीतने ही वाले थे लेकिन सेथ ने आकर उन पर अटैक कर दिया, और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो गया था। और साशा बैंक्स और नियोमी ने डू ड्रॉप और निकी एश को टैग टीम मैच में हरा दिया है, और मुस्तफा अली और टोमासो चैंपा के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी द मिज बने थे, और वो जानबूझकर जब भी अली काउंट करवा रहे थे तो मिज उनकी रेफरी की पावर यूज करके धीरे धीरे काउंट कर रहे थे, और जब टोमासो ने अली का काउंट करवाया तो मिज ने जल्दी काउंट करके अली को ये मैच हरवा दिया है। और आज का मेन इवेंट मैच था बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का, और इस मैच में बेकी लिंच ने इंटरफेयर करके बियांका ब्लेयर और आस्का दोनों पे अटैक कर दिया, और इसलिए ये मैच नो कॉन्टेस्ट से खत्म हुआ है। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।